सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि में होगा बुध। इन तीन राशियों को मिलेगी सभी क्षेत्रों में सफलता। बुध को बुद्धि का स्वामी माना गया है। मजबूत स्थिति में बुध अच्छा स्वास्थ्य और तेज बुद्धि देता है। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता और अनुकूल परिणाम प्राप्त करें। बुध 23 अप्रैल 2023 को रात 11:58 पर मेष राशि में प्रवेश करेगा। बुध के अस्त होते ही तीनों राशियों का भाग्य खुल जाएगा। इस राशि के लोगों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मेष राशि, मेष राशि के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। वक्री बुध का प्रभाव आपको कड़ी मेहनत करने और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। इस अवधि में आपको कई नए मौके मिलेंगे जो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। नौकरी में भी इस अवधि में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मेष राशि के जो जातक सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय के स्वामी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मिथुन राशि, बुध आपके एकादश भाव में विराजमान होगा। बुध की यह स्थिति मिथुन राशि वालों के जीवन के सभी पहलुओं के लिए अनुकूल रहेगी। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। कार्य में लाभ, यह भविष्य की सफलता के लिए भी अच्छा समय है। मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि आखिरकार आप ही सफल होंगे। व्यापार में सफलता पाने के लिए आज आप कई नई योजनाएं बना सकते हैं। कन्या राशि, बुध आपके अष्टम भाव में अस्त होगा। कन्या राशि के लिए बुध की स्थिर स्थिति अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। कन्या राशि वाले मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शेयर बाजार जैसे सट्टा बाजार से जुड़े लोगों के लिए भी यह अवधि अच्छी है। इस समय आपको किसी भी नुकसान से बचने के लिए व्यवस्थित रूप से काम करने की सलाह दी जाती है।